फ्रेंड्स, टाटा मोटर की ओर से दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस कंपनी में अगले आने वाले 2 साल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर हमको पिछले 5 दिन से बहुत ही शानदार बाइंग देखने को मिल रही है। और दिन के दौरान मैंने ये भी नोट किया कि 5 मिनट में कोई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो 10-10, 15-15 लाख शेयर 5-5 मिनट में ही वह बार बार लेने आ जाती है, यानी कि बहुत ही भारी मात्रा में इस शेयर को बाय किया जा रहा है। और उसका रीज़न एक ही है फ्रेंड्स, टाटा मोटर ने 2024 तक यानी कि अगले 2 साल में कंपनी को डेब्ट फ्री करने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमको एक बात समझनी चाहिए कि पिछले साल टाटा मोटर ने 9,000 करोड़ तो ब्याज चुकाया था, तो वो लोन वापस कर देंगे तो आप सोचो वो जो 8-9 हज़ार करोड़ का इंटरेस्ट चुकाते वो सीधा प्रॉफिट में आ जाएगा। इसके अलावा इसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहाँ पर टाटा मोटर ने ऐसा बोला था कि इस साल 50,000 EV बेचने का लक्ष्य और अगले साल 1,00,000 EV बेचने का लक्ष्य। तो फ्रेंड्स, ऐसे बड़े बड़े प्लान टाटा मोटर बना रहे, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में बहुत ही भारी मात्रा में बाइंग हमको आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, टाटा मोटर 27 जुलाई को अपने पहले क्वार्टर के रिजल्ट पेश करेगा। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी उससे अब टाटा मोटर को बहुत ही अच्छी राहत मिलने लगी और टाटा मोटर की गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा बुकिंग है। तो ये बात भी नोट करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में ये डेफिनेटली जब दूसरे तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर इसकी वजह से हमको बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी।